राजस्थान में सियासी रण की गूंज सीटों के सियासी खामोशी में लिपटी हुई है। जहां उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर होनी चाहिए, तो वहीं बड़े दलों ने अभी तक नामों को लेकर सस्पेंस तक नहीं खोला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख दल ना तो उम्मीदवार तय कर पाए हैं और ना ही चुनावी माहौल राजस्थान की 7 सीटों पर बना पाए हैं। ऐसे में हर सीट पर सियासी पेच उलझा हुआ है। दौसा, झुंझुनू और सलूम्बर जैसी इम्पोर्टेंट सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, लेकिन मैदान में मुकाबले की तपिश अभी भी महसूस नहीं हो पा रही है। दौसा में कांग्रेसी सांसद मुरारी लाल मीणा के संकेत का इंतजार हो रहा है, जबकि झुंझुनू में ओला परिवार की भूमिका को लेकर कांग्रेस में शुभ गुहाट सुनाई दे रही है। दूसरी ओर देवली उनियारा में भी बीजेपी पुराने चेहरे पर भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के पास अभी तक कैंडिडेट वहां से चुन नहीं पाए हैं। ऐसे में 84 सीट पर भी बीएपी के फैसले का इंतजार सब कर रहे हैं। वहीं सलूम्बर में भी बीएपी का दमखम दोनों ही पार्टी के समीकरणों को उलझाया हुआ है। ऐसे में रामगढ़ और खींवसर सीट पर भी सस्पेंस राजस्थान में बरकरार है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही असमंजस में डाला हुआ है। सवाल है कि आखिर कब तक ये सस्पेंस का खेल चलता रहेगा? उपचुनाव की सरगर्मियां कब तक शुरू होगी? राजनीतिक गलियारों में अब सिर्फ इंतजार है बड़े नेताओं के उस इशारे का जो सियासी ठहराव को तोड़ेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल सबसे पहले अपना पत्ता खोलेगा और इस सियासी जंग में बढ़त ले पाएगा। क्या ये खामोशी तूफान से पहले की शांति है या फिर चुनावी रणनीति की कोई नई चाल, ये तय करेगा आने वाला वक्त। राजधानी जयपुर से फैक्ट इंडिया ब्यूरो के साथ राहुल जांगिड़। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।